आपसे ऐसा होने लगेगा ये सा सा, फिर से रोकने का कोशिश कीजिए, सा 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 सा। आप मेरे चैनल पर कई वीडियो अब तक देख चुके हैं जिसमें कि अलग अलग गाने को नोटेशन देखकर बजाने के लिए सिखाया गया था। अगर अब भी आपको किसी भी गाने को बजाने में परेशानी हो रही है, कोई गाने को खुद से नहीं ढूंढ पा रहे हैं, ताल के साथ नहीं बजा पा रहे हैं, संगीत का समझ नहीं हो रहा है, स्वर का समझ नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आज फिर से एक नया शुरुआत करने जा रहे हैं। इस लेसन को देखकर और इसके बाद आने वाले इस प्रकार के सारे लेसन को देखकर आपको हारमोनियम सीखने में बहुत मदद मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं, हारमोनियम का बिल्कुल सबसे पहला लेसन क्या होगा, कैसे हारमोनियम पर अपने हाथों को रखें, उंगलियों को कहाँ रखें और कैसे बजाना शुरू करें। तो सबसे पहले समझेंगे इस बाएं हाथ को कहाँ रखें और कैसे इसमें हम लोग इसको चलाएं। तो सबसे पहले इस जगह पर आप अपने हाथों को रखें, यहां नहीं रखें, यहां पर। और रखने के बाद कुछ लोग इसके अंदर में अपनी उंगलियों को फंसा लेते हैं इस प्रकार से, और इस प्रकार से बजाते हैं। यह भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप लंबे समय तक ऐसा बजाएंगे तो यहाँ पर आपका ये सब खराब होने लगता है। तो इसको कैसे सही से पकड़ें, इसको पकड़ने के लिए यहाँ पर और इस उंगली को यहाँ लगाकर और इसको हल्के हल्के ऐसे हम लोग केवल दबाते हैं। इसके भीतर में उंगली को नहीं रखना चाहिए, कहीं भी इस प्रकार से रखकर नहीं बजाना चाहिए। क्या करना है, इस उंगली को यहाँ ऐसे और इसको यहाँ पर इस उंगली से खींचेंगे, इससे हम लोग आगे धकेलेंगे और इस प्रकार से इस हारमोनियम में हम लोग हवा भरते हैं। बाएं हाथ में कौन कौन सी गलतियां लोग करते हैं, इसको यहाँ से उठाकर और इस प्रकार से हवा भरते हैं, इसमें ये पूरा हाथ ही आगे पीछे हो रहा होता है, यह भी गलत है। इसमें आपको एक जगह पर बाएं हाथ को स्थिर रख के और इस प्रकार से हवा भरना है, ऐसे तो बिल्कुल नहीं आपको करना है। और क्या करना होता है, हवा भरने में लोग इसको बहुत ज़्यादा इस प्रकार से बार बार अंदर में इसको धकेलते हैं और बाहर ठेलते हैं, यह भी गलत है। इसको जरूरत के हिसाब से ही इसको हवा इसमें भरना है। जैसे इसको बहुत देर से नहीं हम लोग अभी बजा रहे थे, फिर भी यहाँ अभी तक इसमें हवा था, इसके वजह से ये बज रहा है, अभी तक इसके अंदर में हवा है। तो अनावश्यक इसको इस प्रकार से हवा नहीं देते रहना है। और एक गलती करते हैं लोग, यहाँ पर सा अगर बजाए तो एक बार इसको बजा दिए सा रे ग, यह भी नहीं करना है। सा रे ग यहाँ बजाना है, न कि यहाँ सा रे ग के साथ में हवा देना है, तो इस प्रकार से नहीं करना है। सा रे ग, बायां हाथ और दाहिना हाथ दोनों स्वतंत्र होना चाहिए। यह अपने हिसाब से हवा भरेगा आवश्यकता अनुसार और दाहिना हाथ अपने तरीके से स्वरों को बजाएगा। तो बाएं हाथ से हम लोग ज्यादा इसको नहीं हवा भरेंगे, जितनी आवश्यकता हो उतना ही इसमें हवा डालेंगे, अभी भी इसके अंदर में आवाज होगा। मतलब अब तक इसको जरूरत नहीं था बजाने का, अब जब कम होने लगा तो अब इसको हवा थोड़ा सा हम लोग दे देंगे। और पूरा का पूरा भी इस प्रकार से बंद करना, पूरा खोलना, इस प्रकार से पूरा बंद करना, यह भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर अच्छे क्वालिटी का आपका हारमोनियम है तो थोड़ा सा केवल हिला देने मात्र से ही इसमें हवा भर जाता है, जैसे अभी इसमें हवा भर चुका है। इतना दूर तक बज गया बिना हवा भरे, सारे गामा। तो इसमें अनावश्यक हवा को नहीं भरना है, ज्यादा दूर नहीं ठेलना है इसको, बहुत बार बार नहीं बजाना है। हाथ को यहाँ रखने के बाद इसको धीरे धीरे केवल चलाते रहना है, इस प्रकार से बाएं हाथ को हम लोग
चलाते हैं। और फिर भी कोई अन्य प्रकार का अगर आपसे कोई गलती हो रहा है बाएं हाथ को चलाने में, तो आप कमेंट करके बताइएगा, उसका फिर से समाधान देने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं दाहिने हाथ से कैसे बजाएंगे। दाहिने हाथ में इन पांच उंगलियों से कैसे प्रयोग में लाएंगे किसी भी स्वर को बजाने के लिए, इसको देखते हैं। आप जानते हैं कि सा इसको कहा जाता है रे ग म प ध और नी, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। सा वास्तविक रूप से यहां होता है सा रे ग म प ध नी। ये प्राकृतिक स्वर जो सात होता है सा रे ग म प ध नी, जिसका पूरा नाम षड्ज ऋषभ गंधार मध्यम पंचम धैवत और निषाद है, यह सारा प्राकृतिक स्वर यहां पर है सा रे ग म प ध और नी। लेकिन भारतवर्ष में यहां से सा मानकर बजाया जाता है। वैसे तो आप कहीं से भी सा मान सकते हैं, लेकिन यह भी पूरा सच नहीं है। सा आप यहां से मानकर बजाएं तो बहुत आसानी से बजने लगता है। भारत में महिलाएं इसको सा मानकर बजाती हैं सा रे ग म प ध नी सा। अगर छोटे बच्चे शुरुआत करते हैं हारमोनियम बजाने के लिए तो उनको यहां से बजाने के लिए कहा जाता है सा रे ग म प ध नी सा। अब आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि कहीं से भी बजाने पर सारे गम का ही आवाज क्यों महसूस होता है, चाहे आप यहां से बजाएं सारे गम प ध नी सा या यहां से बजाएं सारे गम प ध नी सा या फिर यहां से सारे गम प ध नी सा या अंततः यहां से सारे गम प ध नी सा। तो आप कहीं से भी बजाएंगे इस हारमोनियम में सभी जगह से सारे गम का आवाज जो सुनाई देता है, उसका मुख्य कारण है कि हारमोनियम की ट्यूनिंग को इक्वली टेम्पर्ड स्केल में किया गया है। इक्वली टेम्पर्ड स्केल मतलब एक स्वर से दूसरे स्वर की दूरी को बराबर बराबर मानकर सा से लेकर नी तक के स्वरों को बांट दिया गया है। इसीलिए आप किसी भी जगह से सा का शुरुआत करके जब बजाएंगे तो ऐसा लगेगा कि सारे ग म प ध नी ही बज रहा है। हारमोनियम में कुल पांच काला बटन होता है, एक दो तीन चार पांच। इस सप्तक में भी पांच है, एक दो तीन चार पांच। यहां भी पांच है, एक दो तीन चार पांच। तो पहला काली बटन इसको कहा जाता है, इसको पांचवा काली और इसको चौथा काली कहा जाता है। तो आप चाहे कहीं से बजाएं, आपको हम यहीं से बजाने के लिए सिखाते हैं सा रे ग म प ध और नी। अब दाहिने हाथ की उंगलियों को हारमोनियम के बटन पे कैसे रखें, इसे देखते हैं। इसके लिए पहले इस हाथ को इस प्रकार से गोल कर लेना चाहिए। गोल करने के बाद इतने बड़े की में बहुत लोग यहां से इसको छूकर बजाते हैं सा रे ग म, यह गलत है। इतना बड़ा आपका की मिला है बजाने के लिए, इसमें इस जगह पर आप इसको स्पर्श करके बजाएं सा, न कि यहां पर स्पर्श करें। आपको ऐसे पकड़ना चाहिए, पूरा इसके ऊपर में कंट्रोल मिल जाएगा सा। अब जब सा यह बजा रहा है तो आप देख पा रहे हैं इन किसी भी उंगलियों में किसी प्रकार का कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा है सा। आपसे यह गलती अवश्य हो रहा होगा, आप जैसे ही इसको सा बजाते होंगे ये सारा उंगली इस प्रकार से उठ जाता होगा सा सा। अगर यह ऐसा हो रहा है तो इसको पूरी तरह से रोक दीजिए। जब सा बजना चाहिए तो केवल इसी उंगली में कोई भी एक्टिविटी होना चाहिए सा सा सा।
आप देख पा रहे हैं बाकी किसी उंगली में किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं हो रहा है। सा, अब रे बजाना है, रे। अब रे बजाते समय भी आप देख रहे हैं बाकी के किसी उंगली में कोई हलचल नहीं हो रहा है। सा रे, आप कैसे बजाते हैं? सा रे, यह गलत है। सा रे, और ध्यान दे रहे होंगे यह उंगली यहीं पर है न कि बाहर है, आपसे यह गलती भी होता है। सा, यह उंगली बिल्कुल बाहर आ जाता है इस कीज के बाहर, तो इसको यहीं पर अंदर में ही रहना चाहिए। सारे सारे, अगर आपका उंगली ऐसे उठ रहा है तो इसको कैसे ठीक करेंगे अभी आपको बताते हैं। पहले इन स्वरों पर उंगली कैसे रखेंगे पहले उसे देख लीजिए। सारे, अब ग बजाना है, ग के लिए अंगूठे को नीचे से यहां ले जाएंगे। सारे ग, अब ग बजाते समय लोग क्या करते हैं, सारे इस प्रकार से पहले इतना दूर हाथ को बाहर ले जाते हैं, सारे, और तब फिर ग बजाते हैं, तो ऐसा ये हाथ का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। सारे ग, बिल्कुल धीरे से नीचे ग पर अंगूठा चला जाना चाहिए। सारे ग सारे ग सारे ग सारे ग सारे ग। अब जब आप ग बजाते हैं तो इन उंगलियों को बिल्कुल इधर ला देते हैं, ऐसा करते होंगे आप। सारे ग, ग यहां बजा और ये सारा उंगली आपका इधर आ जाता है, यह भी नहीं होना चाहिए, यह अपने जगह पर ही होना चाहिए। सारे ग, अब उसके बाद इस म पौधा पर इन तीनों उंगलियों को लाकर रख देंगे। म पौधा, अभी भी आप देख रहे हैं ऐसा नहीं बज रहा ये, म पौधा, ये सब गलत है। म पौधा, ऐसा नहीं बजना चाहिए। म पौधा म पौधा, और उसके बाद फिर से इस अंगूठे से यहां पर नी बजाएंगे, नी। और नी बजाते समय अभी भी म पौधा पर ये उंगली वहीं पर है, म प ध नी, ना कि म प ध नी। नी बजाते समय ये सारा उंगली इधर नहीं आना चाहिए। म प ध नी, और अंतिम में फिर तार सप्तक के सा को बजाते हैं। सा, आपसे फिर यह गलती होता है, इसके जगह पर आप कभी इसको भी रख देते हैं। सा, तो ऐसा नहीं करना है, जिस उंगली से यहां पर सा बजा था उसी से यहां पर तार सप्तक का सा बजेगा। सा रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। आप देख पा रहे थे अभी इसको बजाते समय मेरी उंगलियों में कोई अनावश्यक हलचल नहीं हो रहा था, जैसे कि सा रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। कुछ लोग तो ऐसा बजाते हैं, म प ध ध पर यहां बजाने के बाद ये उंगली ऊपर लेकर चले जाते हैं। अब इसकी आवश्यकता क्या है ऊपर करने की, यह तो यहां होना चाहिए क्योंकि स्वर नीचे बजाना है न कि उंगली ऊपर होना चाहिए, तो ऐसा नहीं बजाना है। म प ध, आपको कैसे बजाना है? म प ध, एक बार ध्यान से देख लीजिए कैसे बज रहा है। सा रे ग म प ध नी सा,
अब आप बजाकर देख चुके होंगे, आपका भी उंगली इसी प्रकार से उछल रहा होगा। तो इसको कैसे ठीक करें, आपके मन में प्रश्न यह आ रहा होगा। इसके लिए क्या करना है, अपने हाथ को पहले ढीला करके हारमोनियम के ऊपर ऐसे रखना है। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप बजाना शुरू करते हैं सा, यह उंगली सबसे पहले ऊपर उठना चाहता है। तो अगर ऐसा होता है तो पहले इसको गिरा दें। आप यह नहीं सोचिए कि सारे गम पौध निशा मुझे सरगम बजाना है, मेरा लेसन है, लेसन कंप्लीट करना है। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचकर पहले यह सोचिए कि उंगलियों को हारमोनियम पर कैसे रखें, अर्थात उंगलियों को शांत कैसे करें। यह तो भाग रहा है आपका सारा उंगली, तो शांत कैसे करें। सबसे पहला काम उंगलियों को शांत करना है। तो शांत करने के लिए जैसे ही यह ऐसे उठता है, इसको पहले नीचे गिरा दीजिए, फिर इसको सा को बजाने का प्रयास कीजिए। सा, केवल इसी उंगली में ताकत लगाकर केवल इसी बटन को दबाइए, सा। तो आप जब बजाएंगे तो क्या क्या होने वाला है वह पहले ही दिखा देते हैं। जैसे ही आप फिर से इसको कोशिश करेंगे सा, तो ये उंगली जरूर उठ जाएगा, इसको रोकना है। सा सा, फिर यह अंगूठा भी बाहर जाना चाहेगा, सा सा। तुरंत हाथ को ढीला करके इसके ऊपर में छोड़ देंगे और केवल सा को 50 बार, 100 बार, 500 बार, 1000 बार, जितनी बार आवश्यकता हो उतनी बार इसको आप बजाइए और केवल इसी को बजाते रहिए, सा सा सा। पूरा ध्यान आपका इसी उंगली पर होना चाहिए, सा सा। और यह भी देखना है कि बाकी किसी उंगलियों में कोई हरकत न होने पाए, सा 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 सा। आपसे ऐसा होने लगेगा ये, सा सा। फिर से रोकने का कोशिश कीजिए, सा 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 सा। उसके बाद जब थोड़ा शांत हो जाए तब रे को बजाना शुरू कीजिए, रे। लेकिन आपसे कैसे होगा, रे 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 रे, कुछ भी फिर से होने लगेगा। तो फिर से सारे उंगलियों को शांत कीजिए, रे 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 रे। आप ये भी देख रहे हैं मेरा बायां हाथ बिल्कुल इस प्रकार से इसको हवा भरने का प्रयास नहीं कर रहा है, तो यह हमेशा वैसे ही रहना चाहिए। अभी भी इसमें आवाज बज जाएगा अगर इसको नहीं बजाया जाए तो, रे 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 रे। इतना हवा अभी तक था, तो इसको अनावश्यक नहीं इसको हम लोग चलाते रहेंगे। तो सा 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 सा, अगर ऐसा शांत हो जाए तभी अगला स्वर बजाएंगे। अगर नहीं हुआ है तो पहले सा को ठीक करेंगे, न कि रे बजाना शुरू कर देंगे, रे 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 रे। अब अगर दोनों उंगली ठीक बजाने लगा तो अगला काम करेंगे, दो बार सा और दो बार रे बजाएंगे। कैसे, सा सा रे रे, सा सा रे रे, सा सा रे रे, सा सा रे रे, सा सा रे रे। फिर से आपका एक बार उंगली उठना चाहेगा इस प्रकार से, फिर से रोकने का प्रयास कीजिएगा, सा सा रे रे, सा सा रे रे। अगर यह उठ जा रहा है तो कोई बहुत खराब बात नहीं है, यह सभी के साथ होता है, आपको बस इसको रोकने का प्रयास करना है, सा सा रे रे, सा सा रे रे। दो बार के बाद तीन तीन बार भी बजाने का अभ्यास करना है, सा 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 रे रे रे, सा 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 रे रे रे। यह भी बहुत कारगर साबित होगा तीन तीन बार बजाने वाला, सा 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 रे रे रे, सा 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 रे रे रे। अब ग बजाएंगे, ग। और ग बजाते समय बाकी सारा उंगली ऐसे ही रहना चाहिए, ग सा रे गा।
उसके बाद यहाँ पर म पौधा पर उंगली को लाकर रख देंगे और यह उंगली अपने जिस प्रकार से जहां रहना चाहे, जहां पर चला जाए उसको वहीं छोड़ देंगे। म पौधा, अब फिर से आपका उंगली उठना चाहेगा म पौधा, तो इसको नीचे की ओर मोड़कर इस बटन पर लगा कर रखे रहना है। म पौधा म पौधा, और अंगूठा बाहर की ओर नहीं आने पाए। म पौधा, एक गलती यहां पर फिर आपसे होगा, जब आप ऐसा सटा कर रखने का प्रयास करेंगे म और प जब बजा रहे होंगे तो मुमकिन है कि म भी दबा रह जाए, जैसे म प, और थोड़ा शायद ये ध भी दब जाए, ध म प ध म प ध, ऐसा होगा। म के साथ प भी दबा रह सकता है, प के साथ ध भी थोड़ा दब जाए, यहाँ पर यह ग भी थोड़ा दब जाए, ऐसा होगा। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, ऐसा होने देंगे, धीरे धीरे खुद फिंगर उसको धीरे से उठा लेगा और वो ठीक हो जाएगा। तो क्या करना है, म प ध, म बजा और प बजने के बाद पीछे से म उठ जाता है। म प ध, पहले आगे के स्वर को बजा लेना है तब इस स्वर को पीछे से उठाना है, जैसे म प ध, ऐसा नहीं बजाना है। म प ध, ये भी गलती आप करने लगते हैं, अगर ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करें। म प ध, ऐसा नहीं बजाना है। म बजाने के बाद प बजा देंगे और प जब बजने लगे तो पीछे से म की उंगली को उठा लेते हैं, जैसे म प ध म प ध, और नी अब बजाएंगे नी। अब नी बजाते समय म पौधा अपने स्थान पर ही है, नी न की नी बजाते समय उंगली को इधर लेकर नहीं आना चाहिए। म प ध नी, और अंततः यह सा, सा बजाने के लिए इसी उंगली का प्रयोग करेंगे, सा न की इसका, इसको नहीं बजाएंगे, सा यहां जिस उंगली से बज रहा था वही यहां बजाएगा सा। तो पूरा सरगम कैसे बजाए, सा रे ग म प ध नी सा, यह आरोह क्रम कहलाता है, स्वरों को बढ़ते हुए क्रम में गा रहे हैं और बजा रहे हैं तो यह आरोह कहलाता है, अंग्रेजी में एसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। सा रे ग म प ध नी सा, और अवरोह में बजाएंगे, जब वापस हम लोग बजाते हुए आएंगे तो उसको अवरोह कहते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर। सा नी ध प म ग रे सा, अवरोह बजाते समय भी बहुत सारा परेशानी आपके साथ आता है, कौन कौन सा है उसको देखते हैं। सा ठीक बज जाएगा आपसे, मान ले सा, नी भी बजा देते हैं आप नी, और ध पर यह उंगली जाना चाहता है हर किसी का, ध प, और म में यह अंगूठा के सिवाय दूसरा आपके पास कोई उपाय नहीं होता है, जो कि गलत है। म, अब रे बजाते हैं आप ऐसे करके, ये सब गलत तरीका है। तो कैसे बजाएंगे, सा नी ध, ध पर इसी उंगली को रखेंगे जो जाते समय बजा रहा था, वही उंगली आते समय भी होना चाहिए। सा नी ध प म ग रे सा, फिर रे पर भी इस उंगली को लोग ले जाना चाहते हैं, जैसे सा नी ध प म ग रे, और फिर सा, यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सा नी ध प म ग रे सा, यह आरोह
और अवरोह बजाने का तरीका था। आप देख पा रहे होंगे मेरा उंगली कभी भी इस प्रकार से कोई अनवांटेड एक्टिविटी नहीं कर रहा था, बिल्कुल शांत रहकर बजा रहा था। तो आपको भी इसी प्रकार से उंगलियों को शांत पहले करना है। इस वीडियो का टाइटल भी होगा उंगलियों को शांत कैसे रखें, कैसे करके बजाएं। सा रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में बहुत सारा प्रश्न आ सकता है। आप कमेंट करके सारे प्रश्नों को पूछें, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर को जल्दी से देने का प्रयास करेंगे। और सब्सक्राइब अवश्य करें चैनल को अगर आपको मेरे चैनल से कुछ लाभ हो रहा है तो, और शेयर करके बाकी लोगों को बताएं जो और सीखने वाले हैं, और लाइक भी करें अगर आपको लगता है कि यह वीडियो लाभकारी है।